कैसे हो दोस्तों, मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने IBS एकेडमी चैनल पे। आज हम वापस से आपके लिए आए हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था कि IBPS की वैकेंसीज आएंगी और ये रही आपके सामने वैकेंसीज आ चुकी हैं IBPS PO 2020 की, जहां पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है 1167 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। पर मैं इसके अंदर आपको एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सरप्राइज एलिमेंट है जिसको मैं आपको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है इसके अंदर, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करके आप अपने ड्रीम जॉब ले सकते हैं और मेहनत करके आपको आराम से ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने सीधा नोटिफिकेशन पे आते हैं जहां पे आपको क्लैरिटी आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ये रहा, देखिए नोटिफिकेशन, ओके देखिए ये रही नोटिफिकेशन। IBPS PO की रिक्रूटमेंट आ चुकी है और ये 9वें नंबर की रिक्रूटमेंट है, जहां पर आपको हर सीजन एक रिक्रूटमेंट मिलती है। जैसे 9 नंबर की है, इसके बाद जो आएगी वो 10वें नंबर की है, तो सीरियल वाइज चलती रहती है। क्लियर है, इसके बाद चलिए हम आगे आते हैं। अपने देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसके अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, इंडियन ओवरसीज है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप नाम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी बैंक्स हैं। अब ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसकी डेट सेव कर लें। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 5 तारीख से। क्लियर है, इसके बाद देखिए 5 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है, इसके बाद आप देखिए ऑनलाइन के प्रीलिम्स की एग्जाम कब है इसकी। क्लियर, अक्टूबर में ऐसा बताई है, टेंटेटिव डेट से आप कह नहीं सकते आज के सिचुएशन में कि यही डेट होगी, मे बी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन आपको यही डेट मार के चलना है। क्लियर, तो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम कब है, 3 तारीख को है, 10 तारीख को है, 11 तारीख को है। मैं भी इसका फॉर्म भरूंगा आपके साथ, मैं भी इसके एग्ज़ाम दूंगा और हाँ मैं अपना जो भी रिजल्ट होगा मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल को रिजल्ट को शेयर भी करूंगा आपके साथ, और मैं आपको और जो भी रिजल्ट होगा हमारा चाहे जो भी होगा मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये रहा मेरा रिजल्ट और जो भी चीज़ें हैं उसमें क्लियरिटी आपको पता चल जाएगी। क्लियर है, तो मैं भी आपके साथ इसी एग्ज़ाम देंगे, तो डरेंगे नहीं, साथ में पढ़ेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और साथ में इसको एग्ज़ाम को पास भी करेंगे और अपने जॉब पे भी आराम से जाके पहुंचेंगे और इंटरव्यू में अपने मिलेंगे भी। क्लियर है, चलिए अब इसकी देखिए मेंस की एग्ज़ाम कब है, 28 को एक है। ठीक है, 28 नवंबर को इसकी मेंस की एग्ज़ाम है और इसका देखिए इंटरव्यू कंडक्शन कब होगा, जनवरी से फरवरी में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी आपका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2021 में इसका रिजल्ट आ जाता है। क्लियर, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहले एज पे आ जाते हैं। देखिए जनरली कंफ्यूजन सबको होता है कि एज क्या होगी, तो देखिए मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 साल। क्लियर, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कम से कम मैक्सिमम 30 साल है और जो STSC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए कम यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके बाद देखिए PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप चीज़ें आराम से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं किसको कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब जो सेकंड है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिंपल बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, वहाँ पर आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज की कोई चिंता नहीं है, आपके 35% हैं तो भी चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम साथ में देंगे हम लोग। क्लियर है, मैं भी अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, इसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे और क्या टाइम अलॉटेड होगा आपके सामने है। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के होंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश में होगी और 20 मिनट का टाइम अलॉटेड होगा। मैथ्स के लिए यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के होंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी 20 मिनट अलॉटेड है। रीजनिंग के लिए 35-35 इंग्लिश एंड हिंदी एंड 20 मिनट्स। टोटल कितने हैं आपको टोटल देखिए 1 घंटे का टाइमर मिलेगा और 100 नंबर के पेपर होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, चलिए अब मेंस में आते हैं। देखिए मेंस में क्या है, देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को साथ में पूछा जाएगा,
45 क्वेश्चन है, 60 नंबर के आपसे पूछा जाएगा, एक घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग जो अवेयरनेस है 40 मिनट के क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट आपको दिया जाएगा और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। देखिए DI है, 35 क्वेश्चन है 60 नंबर के। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ये जो ये मेंस का एग्ज़ाम है ये आपका 3.5 घंटे का होगा, क्लियर है। 3.5 घंटा कैसे, आपका जो पेपर जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं वही 3 घंटे के हैं। इसके बाद आपको देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जिसके अंदर एक लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग है, उसमें आपको 30 मिनट मिलेगा। और वहाँ पर आपको लाइक ऑनलाइन टाइपिंग ही होगा, एग्ज़ाम करके ख़त्म होते ही आपको वहाँ पर आराम से आप अप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम सबकी तैयारी भी सब साथ में करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो चिंता नहीं करना ही अपने को, ठीक है। अपने को सिर्फ मेहनत करनी है और पढ़ते रहना है और दिन रात एक करना है। जो भी चीज़ें हैं आज के टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको अपने को हाथ से निकलने नहीं देना है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इसका देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, कितनी वैकेंसीज क्या हैं और जो आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो अपने पर यहाँ पर देख लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैकेंसीज करती हैं कि कौन सी बैंक ने कौन सी वैकेंसी निकाली है, क्लियर। यहाँ पे आपने देखी कुछ जगहों पे आपने 000 दिखा है। अब जीरो का मतलब क्या है कि बैंक शायद इस बार जो IBPS है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल लें, ये शायद इसमें अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करेंगी। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है अपनी इंडिविजुअल एग्ज़ाम डिक्लेरेशन करेंगी, जो हर साल करती है, PGDM के नाम से इनकी एग्ज़ाम आती है, शायद वो अब वहाँ पर अपने POs की जो अलॉटमेंट है वहाँ पर करेंगे। पर जहाँ पर आपने NR देखा हुआ है, क्लियर है। अब NR का मतलब क्या होता है कि नॉट रिपोर्टेड, क्लियर, यानी वैकेंसीज अभी इन बैंकों ने रिपोर्टेड नहीं की है IBPS को कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है। पर मैं आपको 105% या 110% मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी ये नंबर ऑफ वैकेंसी है यानी 1167 ये डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, क्लियर है, ये डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। कितनी इंक्रीज होंगी, देखिए अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें IBPS का, तो आपको पता चलेगा कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 3 से 4 गुना बढ़ती हैं। आप लास्ट ईयर IBPS क्लर्क और IBPS PO की ही वैकेंसीज देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इससे वैकेंसी कितनी बड़ी पहले दिखाई कितनी और फाइनल वैकेंसीज कितनी हुई, क्लियर। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और आगे पढ़ते रहना है, क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको जो मैंडेटरी हैं वो चीज़ें आपका देखिए, ये रहा स्टेट और कहाँ पर आपका सेंटर होगा, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें आपको मैंडेटरी है। देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्लियर हुआ। क्या लिखा है, वी आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ सेफ्टी हाइजीन, इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेल बींग दैट ऑफ द एवरीवन एट द वेन्यू वी आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ यू हैव एनी बिलो द लिस्टेड सिम्टम्स बाय यूजिंग यस और नो, क्लियर। यानी देखिए सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म, आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ डेकोरेशन एक फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी कि भाई मुझे ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको जो सेंटर होगा वो सारी चीज़ें आपको बताएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हैं मैं ये बता दूँ आपको फाइनल, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको मास्क पहनना मैंडेटरी है, इसके बाद आपको एक सैनिटाइज़र बॉटल भी लेकर आनी है, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए ध्यान रखना है और यही सारी चीज़ें आपको करनी है, क्लियर। तो आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है, साथ में एग्ज़ाम देंगे, साथ में मज़े करेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा हम एक दूसरे को शेयर कर देंगे, क्लियर है। और इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ, टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।